सारे सब सुख लहे पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम शरणागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम शरणागतम
स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागत है गुरुदेव आपका स्वागत है स्वागत है गुरुदेव आपका स्वागत है स्वागत है सुस्वागत है स्वागत है शरणागत है स्वागत है शुभ स्वागत है स्वागत है शरणागत है स्वागत है गुरुदेव आपका स्वागत है स्वागत विमोचित करांडवनीर दाभा पीताम्बरा दरुण बिंब फला दरोटा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात परम किमपिता त्वमहं न जाने त्रिपुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमात्रे राधा कृष्णाभ्याम नमो नमात्रे मद्भागवताय नमो नमः ध्याये ध्यानम समर्पयामि ध्यानार्थे चिदान पुष्पम समर्पयामि हरे ओम महापादयो पाद्यम वर्गम मुखे आत्मनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि हरि ओम मात सहस्रचीरिका पुरुगा सहस्राचा सहस्रपातो सभूमिगो सर्वतस्मृत्वात् तिष्ठदशा उलम्बा पुरुगे वेदगो सर्वामिद्भूतं यच भाव्यम् उताम तत्सेसानो जदनेनादि अति एतावानस महिमातो ज्यायाच पूरुका पादोस विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध उदयत् पूरुका पादोसेह पुनः ततो विघं विग्राम साधना तने अभितो विराड जायत विराजो अधिपुरुका सजातो अतिरिचत पश्चात् भूमि मथो पुरा सजयति जगति माया यस्य कायाधवस्थे वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतात्मे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा लक्ष्मीनाथ समारंभा व्यासया मुन मध्यमा श्रीधराचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा माई दुगंगे प्रजन मे दस वीर गुण सर्वगण गुण स्वत प्रजातन बदोत लोक तन्न वयतनिग्नि प्रजा बहुला मे करो तन्न वयोरेतो अस्मासुधत् श्री भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी है दुख हरनी हे सुख करनी है दुख हरनी हे सुख करनी है दुख हरनी हे सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। सियाराम यही घनश्याम यही सियाराम यही घनश्याम यही सियाराम यही घनश्याम यही सियाराम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री सर्वेश्वर की आरती श्री रंगनाथ की आरती श्री वेंकटेश की आरती श्री बद्रीनाथ की आरती श्री व्यास पीठ की आरती श्री व्यास पीठ की आरती श्री स्वामी जी की आरती श्री स्वामी जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जो पापियों को पाप से है तारती जो पापियों को पाप से है तारती। तानि धर्माणि प्रथमान्य आसन्न तेहनागम महिमानः चंद्रचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओं विश्वक्सेनाय विद्महे वेदहस्ताय धीमहि तन्नो सेनेसा प्रचोदयात्। ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। संतरवादकं मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि प्रणमामि बोलिए श्री मन्नारायण भगवान की जय। बोल भागवत भगवान की जय। बोले ये लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले श्री मत जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री मन्नारायण। परम पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। समस्त भक्तों को सादर जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्णा। सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। आज हम लोग श्रीधाम अयोध्या से पधारे हुए असरफी भवन पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री श्री स्वामी जी महाराज जी के मुखारविंदों से प्रथम दिवस की कथा महात्म चर्चा परीक्षित जी का जन्म सुखदेव जी की का मिलन आदि आदि कथाएं हम लोग श्रवण करेंगे। इस अमृतमयी कथा का रसास्वादन मालपानी परिवार जो सुंदर परीक्षित के रूप में विद्यमान है, गौ विप्र सेवा में जो अनवरत अग्रसर रहने वाले ऐसे मालपानी जी के द्वारा राम जी की जन्मस्थली से महाराजश्री को बुला करके मुंबई के भाईंदर नगर में इस माहेश्वरी भवन के सुंदर पावन प्रांगण पर सभी को आमंत्रित करके सुंदर भागवत कथा का रस स्वादन कराएंगे। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांतो अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मंगल निधान भगवान की मंगलमयी कृपा से श्रीमान मालपानी जी के द्वारा समायोजित श्रीमद्भागवती कथा में समुपस्थित भगवत प्रिय बंधुओं देवियों प्यारे बच्चों, आज का पुण्य अवसर भी है, महेश नवमी का सुंदर समय चल रहा है। आज भी और कल भी
ऐसे शुभ अवसर पर सकल शास्त्र वेद वेदांत आगम निगम का जो सार है, कलिकाल में तो जो भगवान का साक्षात स्वरूप है, ऐसी पावन श्रीमद्भागवती कथा का हम लोग प्रथम दिवस में प्रवेश करें, कथामृत का रसपान करें। इसके पहले सभी लोग श्रद्धा भक्ति से भागवत का मंगलाचरण कर लेते हैं। मंगलाचरण कर लेते हैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक। सभी लोग हाथ जोड़ करके पहले हम बोलेंगे, फिर आप बोलिएगा। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम् नमः, श्री कृष्णाय वयम् नमः, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयम् नमः, श्रीकृष्णाय वयम् नमः। भगवत बंधुओं, मोहमयी नगरी इसका नाम है। मुंबई का नाम क्या है? मोहमयी नगरी। यहां जो भी आता है उसको इस नगरी से मोह हो जाता है, फिर यहां से जाने का नाम नहीं लेता। परंतु अध्यात्म में मोह सकल व्याधिन कर मूला बताया है। श्रीमद् भागवत इसकी बहुत अच्छी औषधि है, दवा है। श्रीमद् भागवत कथा जो भक्ति श्रद्धा से श्रवण करता है, शोक मोह भयापहार, मोह के कारण ही व्यक्ति को शोक होता है, दुख और भय भी होता है, डर। भय माने डर और शोक माने दुख। दुख और भय ये दोनों मोह से उत्पन्न होते हैं। और व्यास जी भागवत में लिखते हैं, भागवत कथा शोक मोह भय तीनों को दूर करने वाली है। कहने का मतलब, बंबई में रहते हुए, मोहमयी नगरी में रहते हुए भी कैसे आप शोक मोह भय से बच सकते हैं, इसका बढ़िया औषधि इलाज है तो श्रीमद् भागवत है। जैसे जल के अंदर रहते हुए भी कमल का फूल जल से अलग रहता है। गीता में भगवान कहते हैं, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमांभसा। जल में रहते हुए जैसे कमल का फूल जल से अलग रहता है,
वैसे मोहमयी नगरी में रहते हुए भी शोक मोह भय से आप सुरक्षित रहें, इसी के लिए मालपानी जी ने एक प्रयास किया है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। स्वयं भी आनंद लें और इस मोहमयी नगरी विशेषकर भाईंदरवासी बंधुजनों को लाभ मिले, स्वयं के पितृजनों को भी प्रसन्नता मिले, बच्चों में भी संस्कार मिले, इसलिए सुंदर आयोजन है। भागवत में चार अक्षर है भागवता, चार ही पुरुषार्थ होते हैं। दुनिया में मानव जन्म मिला है चार पुरुषार्थ पूर्ण करने के लिए, वे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। नाम भी कितना संजोकर ऋषि मुनियों ने रखा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, बीच में रखा काम और मोक्ष, अर्थ और काम को, अर्थात धर्म और मोक्ष दोनों की मर्यादा में रहकर अर्थोपार्जन, और काम का अर्थ है इच्छाएं, लौकिक भौतिक सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना। धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहकर अपने लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करना और अर्थोपार्जन करना, ये आपके अहित में नहीं है, हित में है। चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। भागवत का अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम। सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को एक कथा सुनाई है। अधिकतर लोग जानते हैं कि भगवद गीता ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, परंतु श्रीमद् भागवत को चार श्लोकों में ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने सुनाया। भगवान ने इसको सुनाया इसलिए इसको भागवत कहते हैं। दूसरा अर्थ है भागवतेन श्री सुकेन प्रोक्तम भागवतम। परम भागवत सुखदेव जी ने जिसको सुनाया परीक्षित को, उसी का नाम भागवत है। तीसरा अर्थ भगवतः इदं भागवतम, जिसमें भगवान का दिव्य पावन चरित्र है, लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उसको भागवत कहते हैं। चौथा अर्थ भागवतानाम इदं भागवतम, जिसमें भगवान के प्रिय भक्तों का चरित्र है, उसका नाम भागवत है। यानी भगवान ने जिसको सुनाया, परम भागवत सुखदेव जी ने सुनाया, भगवान के चरित्र जिसमें हैं और भक्तों के भी चरित्र हैं, ये चार अर्थ भागवत शब्द का है। मंगलाचरण किया, सभी शास्त्रों में पुराणों में ग्रंथों में पहले मंगलाचरण किया जाता है। जैसे आप गृह प्रवेश करते हैं ना तो पूजा कराते हैं, मंगलाचरण है। कोई भी अपने कार्य को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए जो कार्य किया जाता है, पूजा आराधना की जाती, उसी का नाम मंगलाचरण है। क्यों किया जाता है? हमारा कार्य निर्विघ्न सानंद संपन्न हो। व्यास जी भागवत लिखने लगे तो उन्होंने भी मंगलाचरण किया, और इस मंगलाचरण में 32 अक्षर में संपूर्ण भागवत का अर्थ भी समाहित कर दिया। जिसको कहते हैं ना उदाहरण में, गागर में सागर भरा है, 32 अक्षर में यानी एक श्लोक में 18,000 श्लोक का अर्थ समाविष्ट कर दिया व्यास जी ने।
ओ मंगलाचरण है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं, साष्टांग करते हैं। कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण जिनको हम प्रणाम करते हैं? तीन उदाहरण दिया, जो सत्चित आनंद रूप है। सत माने पहले भी जो थे प्रलय के समय, सब कुछ नहीं था, सारा ब्रह्मांड नहीं था, लेकिन जो थे और अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, तीनों समय में भूतकाल भविष्यतकाल वर्तमान काल में जो हैं उन्हें सत कहते हैं। चित माने चैतन्य रूप है। चैतन्य का अर्थ है जो जिसमें कुछ चलना है, स्फूर्ति है, ऊर्जा है, चेतना है। आंख से जो भी हम देखते हैं वो सब जड़ है, कान से सुनते हैं वो भी जड़ है, स्पर्श करते हैं वो भी जड़ है, यानी 11 इंद्रियों के द्वारा जो भी हम अनुभव करते हैं वो सब जड़ है। भोक्ता कौन है? जो इन सब का अनुभव करता है वही चेतन है। जैसे माला है ना, माला को हम देख भी रहे हैं, छू भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं, तो ये जड़ है। लेकिन जो इसका रूप अनुभव कर रहा है कि गुलाब है, सफेद है, ये रूप का अनुभव नेत्र के माध्यम से आत्मा करती है। कोमल स्पर्श है, इसका अनुभव भी ये त्वगिंद्री के द्वारा, मन के द्वारा आत्मा में हमें ज्ञान होता है कि कोमल है। ऐसे घ्राणेन्द्रीय के द्वारा हमें बोध होता है कि सुगंध, जितना भी ज्ञान होता है सब आत्मा में होता है। ओ प्रभु कैसे हैं? सद्रूप तो हैं ही, चेतन रूप भी हैं, और तीसरा आनंद रूप है। आनंद, सुख और आनंद में बहुत अंतर है। जब तक व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है ना, तब तक दुख का भी अनुभव होता है। ये द्वंद्व है। लाभ में प्रसन्नता होती है, माने दुख, हानि में भी दुख होता है। ठंडी महसूस होती है तो गर्मी भी महसूस होती है। सब द्वंद्व है, लेकिन द्वंद्वातीत कौन है? वो आनंद है। पर्यायवाची विलोम शब्द तो सबके हैं दुनिया में, लेकिन आनंद का विलोम उल्टा अर्थ कहने वाला शब्द कोश में कोई शब्द ही नहीं है। आनंद राहित्य को कहना है तो निरानंद कहेंगे, तो निर शब्द जुड़ गया ना, तो दो शब्द होने से वाक्य हो गया, वो शब्द नहीं रहा। इसलिए आनंद शब्द से भगवान को बहुत याद किया है वेदों ने, ऋषियों ने। आनंदम ब्रह्मा व्यजानात, वेद भगवान कहते हैं, आनंदम हे वायम लब्ध्वा आनंदी भवती। इसलिए हम जिनको प्रणाम कर रहे हैं और जिनकी पावन कथा सुनने के लिए 7 दिन समय निकालेंगे, वो सत भी हैं, चित भी हैं और आनंद रूप भी हैं, क्योंकि इन तीनों की अनुभूति हमें भी हो, हम भी सत रूप हैं, अनुभव नहीं है। चित रूप भी हैं, अनुभव नहीं है। आनंद रूप हैं, अनुभव नहीं है।
इसलिए सच्चिदानंद घन प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय। तो इस बात को जो समझते हैं वही समझ पाते हैं। इससे थोड़ा सरल और भी भगवान की महिमा बताया दूसरे विशेषण में। विश्वोत्पत्यादि हेतवे, हम उन प्रभु को प्रणाम कर रहे और उनकी कथा सुनने जा रहे जो सारे जगत के सृष्टि करता है, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। आप कहोगे हमारा जन्म तो हमारी माता पिता के द्वारा हुआ है, तो अगर आपके पास कैलकुलेटर में जगह हो, संख्या हो, तो आप गणित करिए कि आपके माता पिता को जन्म किसने दिया, उनके माता पिता ने, उनको किसने दिया, उनके माता पिता ने, ऐसे गिनते गिनते और जब करोड़ों खरबों 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 संख्या में पहुंचेगा तब पता चलेगा कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी को जन्म कौन देता है? तब पता चलेगा भगवान से जन्म होता है। तो सबके मूल कौन है? हजारों किलोमीटर के दूर कोई छोटा से टुकड़ा निकलता है तो सारी धरती के वैज्ञानिक हाय हाय करने लगते हैं कि पता नहीं पृथ्वी के नजदीक से आ जाएगा तो पृथ्वी का क्या होगा। वेद भगवान कहते हैं जिसने पृथ्वी को बनाया, जल को बनाया, आकाश को बनाया, सूर्य चंद्र बनाया, वे सबको जानते हैं। लेकिन ये सब जिनको नहीं जानते, जिनके संकल्प से सब स्थिर हैं, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं जो जगत को रचना भी करते हैं, पालन भी करते हैं और अंत में सब कुछ उनके उदर में चला भी जाता है। जगत का सृजन पालन संहार करने वाले उन प्रभु को हम प्रणाम करते हैं और उनकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं। ये भी थोड़ा कठिन है, समझदार ही समझ सकते हैं। तीसरा विशेषण दिया जो आजकल लोगों के लिए बहुत अनुकूल है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत उसके पीछे दौड़ते हैं। तीसरा उदाहरण है तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के ताप माने दुख को जो दूर करते हैं। तीन प्रकार के ही ताप दुख हैं दुनिया में, चौथा दुख नहीं है। दैहिक, दैविक, भौतिक, शरीर संबंधी सारे रोग आ गए, देह संबंधी और देव संबंधी, भूकंप आदि, वर्षा होना, अनावृष्टि होना, गर्मी आदि होना, और भौतिक भूत संबंधी। इसी को अध्यात्म में कहा है आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक। राम जी के राज्य की यही तो विशेषता थी ना, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तीनों प्रकार के दुख को दूर करते हैं प्रभु जिनको हम प्रणाम कर रहे और जिनकी पावन कथा सुन रहे। कैसा भी व्यथित व्यक्ति हो, शरीर से रुग्ण हो, मन से परेशान हो और भी कोई कारणों से अशांत हो, प्रभु की कथा में बैठ जाए, सारे दुख दर्द पीड़ा उसके दूर हो जाते हैं। और इसीलिए गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, जब प्रभु कृष्ण के विरह में गोपियां गोपी गीत गाती हैं तो कहती हैं श्याम सुंदर आप बड़े नटखट हो, कह सकते हो मुझे भुला दो, सुखी हो जाओगी, मेरी चर्चा मत करो, मेरी याद मत करो। तो गोपियां कहती हैं हम आपको भुला सकती हैं लेकिन आपकी कथा नहीं भुला सकती।
आपको हम त्याग सकती हैं लेकिन आपकी लीलाओं का त्याग नहीं कर सकती, कथा नहीं त्याग सकती। क्यों? क्योंकि आपकी कथा जीवन जीने के लिए एक सहारा है, आश्रय है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीरीडितम कल्मषापहम। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम, आपकी कथामृत है। तप्त जीवनम, संसार में संतप्त जीवों के लिए जीने का एक टॉनिक है। श्रवण मंगलम, कान को बहुत प्रिय लगती है आपकी कथा। कल्मषाप हम, पाप को दूर करती है। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी जन आपकी कथा को श्रवण करते कराते रहते हैं। ऐसे विशेषताओं से विशिष्ट आप प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, साष्टांग करते हैं। सबसे सुलभ मंगलाचरण है भगवान का नाम। मंगलाचरण कई प्रकार के होते हैं, वेद मंत्र पढ़ना, स्तोत्र पढ़ना, गुरुजनों को प्रणाम करना, सब मंगलाचरण है। लेकिन सबको वेद मंत्र कहाँ कंठस्थ होंगे, गुरुजन हर समय कहाँ उपलब्ध होंगे, स्तोत्र सबको कहाँ कंठस्थ होंगे। इसलिए सबसे सुलभ मंगलाचरण भागवतकार ने बताया कि आप कभी यात्रा में जाओ तो घर से निकलते ही प्रभु को याद कर लो। तदेव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव। आप भगवान को मन से याद कर लो किसी भी कार्य के प्रारंभ में, वही आपका अच्छा दिन हो जाएगा, वही मुहूर्त हो जाएगा, वही सुंदर लग्न हो जाएगी, वही तिथि वार हो जाएगा। इसलिए भगवान को यहाँ प्रणाम पूर्वक मंगलाचरण किया है। तो आइए हम सब भी भगवान को स्मरण करते हुए सुलभ मंगलाचरण को करते भागवत में प्रवेश करें। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। 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 वासुदेवाय नमः। राम कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। रामकृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। बदरीनाथाय नमः। वासुदेवाय नमः। बदरीनाथाय नमः। हरि ओम भगवते हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वेंकटेशाय नमः।
वासुदेवाय नमः वेंकटेशाय नमः वासुदेवाय नमः रंगनाथाय नमः वासुदेवाय नमः रंगनाथाय नमः हरि ओम भगवते वासुदेवाय 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 नमः हरि ओम भगवते हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः सच्चिदानंद भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय गौ माता की जय श्री श्री भाष्यकार भगवान की जय 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 श्री राधे बोलिए पूज्य पाद श्री स्वामी जी महाराज की जय पूज्य गुरुदेव भगवान की जय नैमिषारण्य और सुकताल दो स्थान पर भागवत का उद्गम हुआ है नैमिषारण्य अष्टभू वैकुंठ में है भगवान के दिव्य वैकुंठ में तो जाने के बाद कोई जीव लौटता नहीं ना परंतु इन भारतवर्ष के आठ भू वैकुंठ में जाकर वापस अपने घर लौट सकते हैं चार भू वैकुंठ दक्षिण में है और चार उत्तर में है दक्षिण में तिरुपति बालाजी श्रीरंगम मेलकोटे श्री मुष्णम या तोताद्री उत्तर भारत में पुष्कर राज जहाँ भगवान जल रूप में विराजते हैं दूसरा अयोध्या लखनऊ के पास में नैमिषारण्य जहाँ भगवान अरण्य रूप में विराजते हैं बद्रीनाथ जहाँ भगवान नर नारायण के रूप में तप कर रहे हैं और आठवां मुक्ति नारायण क्षेत्र जहां शालिग्राम भगवान प्राप्त होते हैं उन आठ भू वैकुंठों में नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि तप कर रहे थे जप कर रहे थे ध्यान कर रहे थे परंतु उनके मन में लग रहा था कि हम कोई सत्कर्म नहीं कर पा रहे हमारा आत्मकल्याण नहीं होगा मन में बड़ा संतोष था तो एक दिन सुत जी महाराज एक बड़े ज्ञानी महापुरुष थे उनको जैसे व्यासपीठ है ऐसे बैठा कर और 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़ करके जिज्ञासा की प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर है प्रश्न परीक्षा के लिए किया जाता है अगले की परीक्षा लेने के लिए कई लोग कहते हैं ना महाराज आपसे एक प्रश्न है हमारा इसका मतलब महाराज जी की परीक्षा ले रहे हो
और एक जिज्ञासा है, जानने की इच्छा। गीता में भगवान कहते हैं कैसे अगले महापुरुष से जिज्ञासा करनी चाहिए और अगला आपके वास्तविक तथ्य यथार्थ को उत्तर को देगा। बड़ा सुंदर बताया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी जन तभी आपको सही उत्तर देंगे, सुपात्र समझेंगे, जब आप ऐसे भाव से जिज्ञासा करो, तदविद्धि प्रणिपातेन प्रणाम पूर्वक परिप्रश्नेन। समझ लें अच्छी तरह कि अगला कोई पूजा भजन में तो नहीं है, शांत है ना, तब जिज्ञासा करना। सेवया विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, जानने की इच्छा पूर्वक आप ज्ञानी महापुरुष से जब जिज्ञासा करोगे तो आपकी जिज्ञासा पूर्ण होगी। 88,000 ऋषि सुपात्र होकर के जिज्ञासा करते हैं, भगवान बाहर के अंधकार को तो सूर्य दूर कर सकते हैं, अंधकार है सूर्य उदित तो हुआ अंधकार दूर हो जाता है, लेकिन हृदय रूपी संसार में अज्ञान रूपी अंधकार यदि है तो सैकड़ों सूर्य मिलकर भी हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर नहीं कर सकते। अज्ञानध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप जैसे ज्ञानी महापुरुष के उपदेश की जरूरत है। बड़े सुंदर जिज्ञासा की है, आप लोगों के मन में जिज्ञासाएं आती होंगी। एक तो ये जिज्ञासा है, दुनिया में बहुत प्रकार के कर्म लोग बताते हैं, ये अच्छा कर्म, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये देवी देव की उपासना कर लो, ये व्रत कर लो, ये नियम संयम कर लो, बहुत सारे। आप जैसे ज्ञानी महापुरुष से हमारी जिज्ञासा है कि सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है। सूत जी गुरु जी हैं इसलिए सामने ऋषियों ने प्रशंसा की, गुरु तत्व की महिमा का कितना वर्णन किया। चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुर प्रीतः वैकुंठम योगी दुर्लभम। जैसे हीरा होता है ना, ये रत्न होते हैं ना, ऐसे चिंतामणि नाम का रत्न होता था, आजकल नहीं है। वो किसी के पास हो तो धरती के सारे सुख आपके घर में बैठे बैठे मिल जाते हैं। अमेरिका का कोई फल चाहिए ना, चिंतामणि रत्न है वो, आज जो जो चित्त में लाओगे उपस्थित हो जाएगा। चिंतामणि रत्न आपको धरती की सारी वस्तु सारे सुख दे सकती है, स्वर्ग का नहीं। सुरद्रोह स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष होता है स्वर्ग में, उसके नीचे बैठो तो स्वर्ग के सारे सुख पदार्थ आपको मिल जाएंगे। और ये दोनों आपके पास हों, धरती और स्वर्ग के सारे पदार्थ वस्तु आपको दे सकते हैं, परंतु भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते दोनों, भगवान की प्राप्ति दोनों मिलकर नहीं करा सकते। परंतु सद्गुरु यदि समर्थ हो और चाहे लेना तो अपने सुपात्र शिष्य को प्रयच्छति गुरुर प्रीतः वैकुंठम योगी दुर्लभम।
सुपात्र शिष्य को समर्थ सदगुरु चाहे तो प्रेक्षति का अर्थ होता है देना, जाओ तुम्हें भगवान के चरणों में भक्ति हो जाएगी, जाओ तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी बढ़कर योगियों के लिए दुर्लभ भगवत प्राप्ति हे सदगुरु आपकी कृपा से होती है, इसलिए आप कृपा करके हमारे इन प्रश्नों का जिज्ञासाओं का समाधान करिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी प्रश्नों का एक उत्तर दिया सूत जी महाराज ने, कालव्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सब लोग काल के मुख में बैठे हैं, काल माने समय, जैसे बढ़िया ताजी रसमलाई बनी हो, बहुत कोमल हो, मुख में रखो तो एक ही डर है कब गटके और कब अंदर चली जाए, वैसे काल रूपी अजगर के मुख में हम सब बैठे हुए हैं। कब एक गटक ले पता नहीं किसी का, इससे बचने का, बचने का मतलब फिर हमारा जन्म ना हो और फिर मृत्यु भी ना हो। आप कहो कि जन्म होता है तो बड़ी सुख सुविधाएं मिलती हैं ना, तो बोले अंतरात्मा से पूछो कितने कष्ट कितने दुख दुनिया में हैं, और जितने दुख कष्ट आपको दुनिया में दिख रहे कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा कष्ट कब होता है मालूम है? जन्म लेते समय। जन्म देने का कष्ट तो माताएं समझती हैं, लेकिन जन्म लेने वाला कष्ट किसी को पता नहीं, भूल जाता है। और मृत्यु के समय भी बहुत कष्ट होता है। तुलसी बाबा ने इसका उजागर किया, जन्मत मरत दुसाहा दुख होई। इसलिए शास्त्र और संत कहते हैं कि ऐसा सत्कर्म करो कि फिर जन्म और मृत्यु के कष्ट से दर्द से पीड़ा से आप बच जाओ। अगर हम मृत्यु से बचना चाहते हैं, जन्म से बचना चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कलयुग में विशेष करके आत्मकल्याण के लिए सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का गान किया है, उसको पान करो, श्रवण करो। बोले भागवत में लोगों की निष्ठा क्यों नहीं होती? कई बार लोगों के मन में आता है हाँ दो बार सुन लिया, चार बार सुन लिया, फिर कोई व्यक्ति कहता अरे 11 बार हमने भागवत सुन ली, अब ये पुराण सुनेंगे, ये ग्रंथ सुनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्यों ऐसा? जब ये निर्णय हो चुका है कि 17 पुराण लिखने के बाद व्यास जी को शांति नहीं मिली, 18वें पुराण श्रीमद् भागवत की रचना की तब व्यास जी को शांति मिली, तो इधर उधर क्यों भटकना? तो सूत जी महाराज कहते हैं एक जन्म की कमाई से दृढ़ता नहीं आती। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्मों के किए सत्कर्म का पुण्य फल जब मिलता है तभी श्रीमद् भागवत कथा कराने का और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए मालपानी जी का एक जन्म का पुण्य नहीं, कई जन्मों का पुण्य फल है, और सभी श्रोताओं के लिए भी यही है। कितनी दुर्लभ है भागवत कथा है कि जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक कथा सुनाने गंगा के तट पर बैठे तो देवता लोग अमृत कलश लेकर पहुंच गए देवराज इंद्र के साथ।
सबने प्रार्थना की कि महाराज परीक्षित को आप अमृत पान करा दीजिए और भागवत कथा हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हम देखो वीतराग परमहंस बाल ब्रह्मचारी नैष्ठिक महात्मा हैं, हमें संसार का उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना ज्ञान तो हमें है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवान् जहास। मिट्टी है पत्थर है इतना तो ज्ञान है, ये पानी है दूध है इतना तो ज्ञान है, कहाँ तुम्हारा तुच्छ अमृत देवताओं कि अमृत पीते हो आप स्वर्ग में लेकिन संसार में फिर 84 लाख शरीर में जन्म लेते हो और फिर मृत्यु के चक्कर में पड़ते हो, और कहाँ हमारा भागवत कथा अमृत। हम आपको कथा सुना भी देते लेकिन नहीं सुनाएंगे, आप कथा सुनने के पात्र नहीं हो। देवताओं ने कहा हम पात्र नहीं है, बोले हाँ, क्योंकि आप सबकी भगवत चरणों में भक्ति नहीं है, निष्ठा नहीं है, प्रेम नहीं है, आप तो केवल विनिमय के लिए आए हो कि कथा हम सुन लेंगे और अमृत इनको पिला देंगे। अभक्तां स्तांश्च विज्ञाय ना ददौ सा कथामृतम्। अभक्त जानकर देवताओं को कथा सुखदेव जी ने नहीं सुनाया, किसको सुनाया? परीक्षित जी को। 7 दिन भागवत कथा श्रवण करके परीक्षित जी के लिए जब विमान आया, मुक्त होकर परीक्षित जी भगवत धाम को पधारे, ये बात ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में पता चली तो वहां तराजू लगाया और कहा ऐसा नहीं हो सकता, 7 दिन कथा सुन ले और मोक्ष मिल जाए, भगवत धाम मिल जाए, मैं परीक्षा करता हूं। तो तराजू, आजकल वाला इलेक्ट्रॉनिक नहीं, 2 पलरे वाला, 1 पलरे पर उस व्यक्ति के पूरे जीवन के पुण्य रखा ब्रह्मा जी ने। जो व्यक्ति स्वस्थ हो, संपन्न हो और धार्मिक हो, ऐसा व्यक्ति जो समर्थ हो, स्वस्थ हो, संपन्न हो, धार्मिक हो, उस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में जो भी दान पुण्य यज्ञ जप तप नियम तीर्थ व्रत किया, सारे पुण्य पूरे जन्म के 1 पलरे पर रख दिया और दूसरे में 7 दिन जिसने भागवत कथा सुनी उसके पुण्य को रख दिया, केवल 7 दिन कथा सुनने के पुण्य को। और जब तराजू को उठाया तो अपनी गरिमा महिमा के कारण भागवत कथा के 7 दिन का पुण्य वाला पलरा भारी होने के कारण नीचे रह गया और पूरे जीवन वाला पुण्य वाला पलरा हल्के होने से ऊपर उठ गया। गौरवेण इदम महत। तो ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम किया भागवत जी को और निर्णय दिया ब्रह्मा जी ने कि भागवत कोई पोथी नहीं है, ग्रंथ नहीं है, पुस्तक नहीं है। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात भगवान का स्वरूप है श्रीमद् भागवत। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो आप कहोगे कि देव दुर्लभ कथा हमें कैसे सुलभ हो गई? संतों की कृपा से। वैसे दुर्लभता तो मालपानी जी को ही पता चल गई होगी, क्योंकि दिसंबर में चाहते थे तो भगवान की कृपा और पहले हो गई। और जब भगवत भक्त का सूत्र मिल जाए तो बहुत जल्दी संत भगवंत कृपा होती है। तो मालपानी जी के भी क्या लगेंगे मुंदड़ा जी, हाँ जी जा जी, उनकी कृपा इन पर हो गई।
और उनका भी प्रेम महावीर बियाणी जी यहाँ बैठे हुए हैं तो उनके अभिन्न मित्र हैं। तो बहुत दिन पहले सुताल में कथा आपने कराई थी, कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष हो गए। तो देव दुर्लभ कथा संतों की कृपा हो जाए तो सुलभ हो जाती है। कैसे कृपा हो गई? जो परीक्षित को एक कथा मिल गई, स्वर्णकाद ऋषियों को मिल गई, हम सबको मिल गई ये पावन कथा। कथा बताते हैं कि एक बार की बात है, देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे थे पृथ्वी में। भगवान के दूत ही तो हैं संत लोग। बहुत जगह अच्छा नहीं देखा, तीर्थों में गए, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा श्रीरंगम आदि क्षेत्रों में गए। कहीं अच्छा वातावरण नारद जी को नहीं दिखा। कैसे लोग दिखे? उदरम भरिणा जीवा बरा काकूट भाषिणा। सुंदर पकवान भोजन कर लिए, बस सब कुछ पुरुषार्थ ही है। सत्य बोलने वाले लोग न दिखे, धर्मिष्ठ लोग न दिखे, माता पिता का आदर करने वाले लोग न दिखे, कहीं पर सिद्ध ज्ञानी लोग न दिखे। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ये सब कुछ न देखकर नारद जी को बड़ी वेदना हुई, बड़े दुखी हुए और सोचा चलो भगवत क्षेत्र में चले तो मन को शांति मिले। तभी तो लोग जाते हैं ना बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, वृंदावन। नारद जी वृंदावन पहुंचे तो वहां भगवान का दिव्य धाम है, दर्शन किया, यमुना जी में स्नान किया, वृंदावन की परिक्रमा की, बड़ी शांति मिली। परंतु हैं तो नारद जी, जब अच्छी अच्छी जगह मिल गई तो इधर उधर क्यों डुलना, वहीं अपना आसन जमा लेना चाहिए। लेकिन नारद जी एक जगह टिकते नहीं, वृंदावन छोड़कर निकलने लगे तो यमुना के तट पर एक दृश्य देखा। हजारों नर नारी बैठे हैं, 2 वृद्ध पुरुष जमीन में पड़े हैं, सारे बाल सफेद हैं, उल्टी सांसें चल रही हैं और एक युवती पंखा डुला रही है। नारद जी ने सोचा किसी का अंतिम समय है, आगे बढ़ने लगे तो युवती ने नारद जी को खड़े होकर जोर से पुकार कर बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। हे साधो, साधु का अर्थ क्या होता है? साधनोति पर कार्यमिति साधु, जो दूसरे के कार्य आए। कोई दुखी व्यक्ति की बातें भी कोई सुन लेना तो उसका दुख कम हो जाए तो आप उसके लिए साधु हैं। उसको ढाढ़स बना दें, कुछ सहयोग कर दें, मनसा वाचा कर्मणा, तो आप उसके लिए साधु पुरुष हैं। सबके दुख को दूर कराने वाले, सुख को देने वाले नारद जी परोपकारी हैं आप। एक क्षण रुकिए, मेरे दुख को दूर करिए। नारद जी नजदीक आए और पूछा, परिचय क्या है? तो उस युवती ने कहा, मैं माँ हूं, मेरे दोनों बेटे हैं, मरणासन्न हैं, स्वस्थ कर दीजिए। नारद जी ने कहा, आप मजाक क्यों कर रही हो? आपकी आयु 25 वर्ष दिख रही, जिनको बेटा बता रहे इनकी आयु 100 वर्ष दिख रही। युवती ने कहा, मैं सच कहती हूं, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ, मेरा नाम भक्ति देवी है।
मेरा संवर्धन कर्नाटक में हुआ, कहीं कहीं महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो गई। नारद जी ने प्रणाम किया और कहा, मैं पहचान लिया आप कौन हैं मां, आपका जन्म वैकुंठ में भगवान के गोद से हुआ है, वैकुंठवासी भक्तों का पोषण आप साक्षात रूप में वैकुंठ में करती हो और छाया रूप में मृत्युलोक में भक्तों का पोषण करती हो। आपकी सेवा के लिए भगवान ने दो पुत्र दिए हैं आपको, क्या नाम है? ज्ञान वैराग्य का विमऊ, ज्ञान वैराग्य नाम है पुत्रों का। आपकी सेवा के लिए एक दासी दिया है भगवान ने, क्या नाम है दासी का? बोलो, भक्ति की दासी का नाम क्या है? दासी माने नौकरानी, क्या नाम है? बोलो ना, आप तो कथा बहुत सुनते हो ना, ये तो बड़ा मुख्य विषय है ना, थोड़ा प्रश्नोत्तर चलता रहे तो आनंद आता है ना। देवर्षि नारद जी कहते हैं, आपको एक नौकरानी सेविका दासी भी भगवान ने दिया है मुक्ति देवी, क्या नाम है आपकी दासी का? मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमौ। आपको मुक्ति रूपी दासी दिया है, भक्ति की दासी का नाम क्या है? मुक्ति, मत भूलना कभी। इसका मतलब आपके हृदय में यदि भक्ति देवी आ जाए ना, प्रभु चरणों में भक्ति हो जाए, तो आपको ज्ञान पाने के लिए, वैराग्य पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए अलग से कोई साधन की जरूरत नहीं है। गोपियों ने कहीं वैराग्य पढ़ने के लिए गई क्या? ज्ञान पाने का कोई प्रयास किया क्या? मुक्ति पाने के लिए कोई व्रत उपवास किया क्या? नहीं। गोपियों का एक सूत्रीय कार्यक्रम था, गोपी नाम परमानंदः आसीत कृष्णस्य दर्शने। प्रभु चरणों में भक्ति, केवल गोपियों का प्रभु चरणों में भक्ति होने के कारण उद्धव जैसा ज्ञानी चरणों में लौटते हैं। वैराग्य कितना प्रबल है, गोपियों ने कहा ना गोपी गीत में, है कोई ऐसा महात्मा दुनिया में गोपियों जैसा वैराग्यवान? कोई नहीं है। गोपी गीत में गोपियों ने तो अपने हृदय की सारी भावना व्यक्त कर दी, हे श्याम सुंदर, आपके लिए हमने क्या क्या त्याग नहीं किया, सब कुछ त्याग किया। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलङ्घ्यते त्यच्युता गता गतिविधस्तव गीतमोहिता कितव योषितः कस्य जेन्निषि। सुतान्वय रात्रिबान्धवान् अति विलङ्घ्यते त्यच्युता गता। आपके लिए हमने पति भ्राता बंधु माता पिता सबको त्याग दी, अपने आप वैराग्य आ गया। नारद जी कान में मंत्र पढ़ने लगे, भक्ति देवी ने कहा है, जितने नर नारी बैठे हैं सारे मंत्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, और ये सारे तीर्थ साक्षात बैठे हुए हैं, सबने प्रयास कर लिया कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, आप कोई और उपाय खोजिए। तब नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। सत्कर्म तो कई प्रकार का है, सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है ये जानने के लिए नारद जी बड़े बड़े महात्माओं के पास गए।
तो लोग घबरा गए कि नारद जैसा ज्ञानी सत्कर्म का अर्थ नहीं समझ रहा, हमारे पास आए हमें भी पता न चले तो बड़ा नाम खराब होगा। देखो नाम इतना बड़ा महात्मा का और उत्तर सत्कर्म का नहीं दे पा रहा। तो कई महात्मा लोग बहाना बनाकर अपनी झोपड़ी में बैठकर ध्यान करके माला जपने लगे। नारद जी को वाते देखकर कोई रास्ता बदल देता। नारद जी ने कहा यहां उत्तर नहीं मिलेगा, मैं तप करने के लिए जाऊंगा बद्रीनाथ, क्योंकि भक्ति देवी ने चेतावनी दे दी कि अगर मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं होंगे ना तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं भारत छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। तो नारद जी ने प्रणाम करके प्रार्थना करके बहुत अनुनय विनय किया कि हमारा भारत देश भक्ति प्राण देश है और अगर हमारे भारत देश को छोड़कर भक्ति माप चली गई ना तो हमारा भारत देश निष्प्राण हो जाएगा। आप धैर्य रखो, मैं तप करके भगवान को प्रकट करके पूछूंगा सत्कर्म क्या है। तभी तो नारद जी संत हैं, परोपकारी हैं ना। तप करने गए बद्रीनाथ, भगवान नर नारायण के दर्शन किए, ऊंचे पहाड़ की श्रृंखलाओं में चढ़ने लगे, सामने दिव्य तेज प्रकाश दिखा। देखते देखते वो तेज चार बालक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए सनकादि भगवान की, सनक सनंदन सनातन चौथे सनत कुमार, ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ प्रथम अवतार। नारद जी ने सनकादियों के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी देवर्षि हैं और सनकादि ब्रह्मर्षि हैं। सबसे नीचे कौन होते हैं? राजर्षि। फिर कौन होते? ऋषि। फिर कौन होते? देवर्षि। फिर और उनसे बड़े कौन होते? महर्षि। फिर उनसे ऊपर होते हैं ब्रह्मर्षि। राजर्षि जो अपने राज्य के लोगों को भगवन मार्ग में लगा दे और अपना कल्याण कर ले उसका नाम राजर्षि है। देवर्षि का अर्थ है कि जिसका आवागमन देवलोक तक हो और सारे ब्रह्मांड में जिसका आवागमन सर्वदा हो उसी को ब्रह्मर्षि कहते हैं। नारद जी ने प्रणाम किया तो सनकादियों ने भी आदर दिया। नारद जी ने हाथ जोड़ करके पूछा भगवान आपकी आयु तो 1 करोड़ वर्ष बीत चुकी, देखने में आज भी आप 5 वर्ष के दिखते हो, आप बूढ़े नहीं हुए, आपकी मृत्यु नहीं हुई, 5 वर्ष के बालक का मन हृदय चित्त जैसे निर्मल होता है, तो सनकादियों ने 2 उपाय बताया हो। लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात त्रयिक जीविनः, पहला उपाय, हम सदा सर्वदा भागवत कथा सुनते हैं इसलिए हम बूढ़े भी नहीं हुए और हमारी मृत्यु भी नहीं हुई और हमारे मन चित्त बिल्कुल निर्मल रहता है, हमारे मन में कोई विकार भी नहीं आया। नारद जी ने कहा कितने घंटे कथा सुनते हैं आप लोग? बोले 2400 घंटे। कितने दिन? बोले हर दिन। नारद जी ने कहा हो गया लोक कल्याण, इससे होने वाला नहीं है। बोले क्यों? बोले 3 घंटा बैठते हैं तो कई आसन बदलते हैं, कई बार घड़ी देखते हैं, कई बार देखते हैं चाय बन रही है कि नहीं बन रही है। 7 दिन की कथा कराने के लिए वर्षों से तैयारी होती है, 2400 घंटे कथा, 12 महीने कथा, ये तो असंभव है, कोई सुनने वाला नहीं। दूसरा उपाय,
अच्छा, नारद जी ने भी पूछा, आप इतना समय निकाल लेते हैं कथा को? सनकादियों ने कहा बिल्कुल, तो भोजन पानी स्नान कैसे करते हैं? बोले कोई झंझट नहीं है, वात रसना, केवल वायु पी करके हम रहते हैं, जल भी नहीं पीते कि लघु शंका जाना है, हाथ पैर धुलना है, भोजन पानी नहीं ग्रहण करना है। और 5 वर्ष के हैं तो दिगंबर वेश में कपड़ा भी पहनने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें कोई झंझट नहीं है, ना भोजन की झंझट, ना पानी पीने की झंझट, ना कपड़े पहनने की झंझट। इसलिए हम लोग सदा सर्वदा भगवान की पावन भागवत कथा, एक कहता है 3 सुनते हैं। नारद जी ने कहा सरल उपाय कोई है? बोले हाँ, एक उपाय और है, हरि ही शरणमेव ही नित्यम ये साम मुखे बचहा अतः काल समादिष्टा जरायु समान न बाधते। हे हरि, हम आपकी शरण में हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं। अलग अलग मंत्र है ना ऋषियों का, भगवान नर नारायण का बद्रीनाथ में मंत्र क्या है? श्रीमन्नारायण, अष्टाक्षर मंत्र है ना, मूल मंत्र जो कई श्री वैष्णव ने लिया है, वो मूल मंत्र अष्टाक्षर मंत्र आज भी बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। भगवान नारायण का मंत्र है अष्टाक्षर मंत्र, नारायण श्रीमन्नारायण कहते हैं ना। देवर्षि नारद जी का मंत्र है द्वादशाक्षर, हरि ओम भगवते वासुदेवाय। मंत्र को सीधे नहीं लेना चाहिए ना, माइक से सब चल रहा है, इसलिए मंत्र में अक्षर अगर कोई अधिक जोड़ दे तो कीर्तन हो जाता है, फिर आप उसका कीर्तन कर सकते हैं, इसलिए हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ये कीर्तन है। कि अरे हलो हाय करते थे, ये कौन हरि शरणम है? लेकिन वो पूछे तो कहो, आज हम सीख करके आए हैं कि अगर हरि शरणम इस मंत्र का जाप करेंगे तो हम बूढ़े नहीं होंगे, मृत्यु नहीं होगी, पुनः जन्म नहीं होगा और समस्त पाप ताप से मुक्त हो जाएंगे। सखे सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। सखी सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। सखी सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र भक्ति का, हरि शरणम, हरि शरणम। यही एक मंत्र भक्ति का, हरि शरणम, हरि शरणम। यही एक मंत्र मोक्ति का, हरि शरणम, हरि शरणम। यही एक मंत्र मोक्ति का, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। गया जो भी हरि की शरण मिला उसको हरि शरणम, गया जो भी हरि की शरण
मिला उसको हरी शरणम 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 हरी शरणम। देवर्षि नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए कि उपाय मिल गया लोक कल्याण का। लेकिन जब देवर्षि नारद जी को दुखी देखा तो सनकादियों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्। और समय तो नारद जी आपको कोई देखता ना, मेरे लिए कोई और नहीं है बल्कि भक्ति देवी के दुख से मैं दुखी हूँ, भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान वैराग्य के दुख से मैं दुखी हूँ। सारी कथा व्यथा बताया देवर्षि नारद जी ने और पूछा कि आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, तो सत्कर्म क्या है? सत्कर्म का अर्थ जानने के लिए मैं सर्वत्र भ्रमण कर रहा हूँ, दैव योग से आपका दर्शन हो गया। सनकादियों ने कहा ये मार्ग पहले से बना हुआ है, लेकिन इस मार्ग को मुक्ति मार्ग का, मोक्ष मार्ग का, भक्ति ज्ञान वैराग्य के पुष्ट प्राप्ति करने का मार्ग अपने को अपने भाग्य से महापुरुष प्राप्त होते हैं, जिन महापुरुषों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि सत्कर्म क्या है। वैकुंठ साधकः पंथा सत्गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायः भाग्येन लभ्यते। सत्कर्म के स्वरूप को बताने वाले महापुरुष अपने को अपने भाग्य से प्राप्त होते हैं। देखो नारद जी, दुनिया में जितना भी लोग सत्कर्म कहते हैं ना, जिसको यज्ञ है, जप है, तप है, अनुष्ठान है, तीर्थों में अटन है, भ्रमण है, निवास है, उपवास है, व्रत है, दान है, एते कर्म विसूचकाः, ये सब कर्म की श्रेणी में आता है, कर्म की श्रेणी में ये सब कर्म है। सत्कर्म क्या है? ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुधैः। ज्ञानी लोग जो सत्कर्म का अर्थ बताते, जानते, समझते हैं वो है ज्ञान यज्ञ। जो आप सुन रहे हो ना, एक ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। और ज्ञान यज्ञ कौन गाया है? सतु गीता सुकादि भी, सुखदेव मुनि के द्वारा भागवत कथा के रूप में गान किया गया है। इसलिए पत्रिका में भी क्या छापते हैं? श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ लिखते हैं। सत्कर्म माने ज्ञान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ माने भागवत कथा। प्रामाणिक विद्वान ज्ञानी वक्ता के द्वारा भागवत कथा सुना दीजिए भक्ति ज्ञान वैराग्य को, तो ज्ञान वैराग्य बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा प्रामाणिक वक्ता तो आप जैसा कोई नहीं होगा भगवान, आप कृपा करिए। सनकादियों ने कहा ना ना ना, चार के अतिरिक्त हम पांचवें को न बैठाते हैं न किसी के पास बैठते हैं, क्योंकि अगले व्यक्ति का जो सोच है, विचार है, भाव है, उसके परमाणु अपने अंदर भी आते हैं। जैसे फूल है ना, ये तो जड़ है, तो भी नजदीक रखो तो इसकी सुगंधी आती है ना, इत्र की आती है ना। तो ऐसे व्यक्ति हैं, अगर तमोगुणी, रजोगुणी, संसारी, अति विषयी, भगवत विमुख व्यक्ति के पास बैठो तो उसके सोच के, विचार के परमाणु अपने अंदर भी आते हैं। हम नहीं
किसी को नहीं सुनाएंगे कथा। नारद जी ने कहा भगवान किसी को नहीं सुनाना, ज्ञान वैराग्य भक्ति और मैं खुद सुनूंगा बैठकर। आप यदि नहीं चलेंगे तो मैं आपके चरणों के पास बैठा रहूंगा। नारद जी भी तो हठी महात्मा, हटकर बैठे। सनकादियों ने कहा ठीक है कथा सुनाएंगे, लेकिन स्थान, कथा का स्थान हमारे द्वारा निर्धारित होगा। नारद जी ने कहा वो स्वीकार है, आप आज्ञा करिए कहाँ कथा करनी है। सनकादियों ने स्थान बताया, गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। गंगा द्वार कहते हैं हरिद्वार को, और उसके समीप कौन है, ऋषिकेश। गंगा जी के तट पर बहुत आनंद आता है कथा में। कई बार हमने अनुभव किया, एक दो बार तो ऐसी कथा हुई कि गंगा की धारा बह रही, व्यासपीठ है ऐसे बैठे हो, क्या वानप्रस्थ क्या परमार्थाश्रम, कई बार कथा हुई, बड़ा आनंद आता है। सनकादियों ने कहा कि जहां गंगा जी भी हैं, कलकल निनाद ध्वनि भी सुनाई देती है, पर्वत भी है, उपत्यका भी है, वन भी है, उपवन भी है, और बालू के कोमल कण भी हैं, ऋषि मुनियों से सेवित स्थान है, वहाँ ऋषिकेश में हम कथा करेंगे। नारद जी ने कहा बिल्कुल स्वीकार है। और जब ये बात पता चली लोगों को, चाहे भूलोक में, देवलोक में और वैकुंठ में, भूलोके देवलोके चा ब्रह्मलोके तथई वचा, जो भगवत कथा रसिक जन थे उन्होंने कहा सनकादि ऋषि जिनका दर्शन दुर्लभ है वे कथा सुनाएंगे। बोले हाँ। यजमान कौन है, बोले भक्ति देवी। आयोजक कौन है, बोले देवर्षि नारद। मुख्य श्रोता कौन है, बोले ज्ञान वैराग्य। बोले सब बैठकर सुनेंगे, बोले हाँ जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे बैठकर सुनेंगे। तब तो महाराज सारे कथा रसिक दौड़ पड़े। लंपट शब्द खराब अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन यहां कथा रस लंपटाहा, कथा के रसिक जन जो कथा के बिना नहीं रह सकते वे सब ऋषिकेश में पहुंच गए। कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा जब विश्राम ली तो ज्ञान वैराग्य जिनकी जो जमीन में पड़े थे, पलकें नहीं खुल रही थी आंखों की, पलकें खुल गईं। दूसरे दिन की कथा विश्राम ली तो ज्ञान वैराग्य उठकर बैठ गए। तीसरे दिन की कथा चल रही थी तो ज्ञान वैराग्य भगवत नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। श्री व्यास जी लिखते हैं भागवत में, भक्ति ही सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा बिरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये मंत्र ज्ञान वैराग्य का है। ज्ञान वैराग्य भागवत कथा की महिमा से जागृत हो गए, स्वस्थ हो गए, तरुण अवस्था मिल गई। बाल्यावस्था छोटी होती है ना, शिशु है, कुछ ज्ञान नहीं है, और थोड़ा बड़ा हुआ थोड़ा ज्ञान होता है, लेकिन और ज्यादा बड़ा हो गया व्यक्ति तो युवावस्था आ जाती है, मन में बड़ा उपद्रव आने लगता है। लेकिन ज्ञान भी आवे और मन में उपद्रव भी ना आवे, उसी अवस्था का नाम है तरुण अवस्था। इसलिए व्यास जी लिखते हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, तरुण अवस्था ज्ञान वैराग्य को प्राप्त हो गई और कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। क्या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव पितु मातु स्वामी सखा हमारे पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे कृष्ण पितु मातु स्वामी सखा हमारे पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए भागवत भगवान की जय भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों अति प्रसन्न हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए तो है ही कथा लेकिन सबके जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य सुप्त हैं सोए हुए हैं जैसे कथा में प्रथम दिवस में ही ज्ञान वैराग्य की पलकें खुल गईं वैसे कथा सुनने का लाभ ये है कि आपके जीवन में भी भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रसन्न हो जाएं आनंदित तो हो जाए आपके जीवन में भी भक्ति ज्ञान नृत्य करने लगे ज्ञान वैराग्य आपके जीवन में उतर जाए तभी कथा सुनने का पूर्ण लाभ है। आप कहोगे ज्ञान वैराग्य को ये लाभ मिल गया स्वस्थ हो गए बाकी जितने श्रोता थे उनको क्या लाभ मिला। आपके मन में आ सकता है ना कि मुख्य श्रोता मालपानी जी का तो लाभ हो जाए कल्याण हो जाएगा हमें क्या मिलेगा। तो जितने श्रोता थे सभी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। आप कहोगे हमें भी दर्शन मिलेगा अवश्य मिलेगा जैसे उन श्रोताओं ने भाव में डूब कर कथा श्रवण किया वैसे ही आप भी कथा को श्रवण कर मनन कर अपने जीवन में उतारो
तो आपको भी प्रभु का दर्शन प्राप्त होगा। तत्सभा संस्थितानां च देह गेहात्म विस्मृति ही। जितने श्रोता थे ना वहां, इतना कथा में डूब गए कि देह माने शरीर को भूल गए, गृह माने घर को भूल गए कि हमारा घर भयंदर में है कि थाने में है कि मुंबई में है, भूल गए। देह गेह आत्म विस्मृति, स्वयं को भूल गए, आत्मा को भूल गए। आत्मा को कब भूलता है मालूम है व्यक्ति? जब जड़ समाधि लगती है तब। और या तो श्री राम और भरत जी के मिलन में ऐसा होता है। परम प्रेम पूरित दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। मन बुद्धि चित्त अहम को अहम माने मैं, आत्म तत्व को भुला देते हैं जब श्री राम और भरत प्रेम से मिलते हैं। और जब इतने डूब कर प्रेम से भागवत कथा कोई श्रवण करे ना, तो उसका हृदय चित्त मन अंतःकरण बिल्कुल गंगा जल जैसा निर्मल हो जाता है। भगवान को ऐसा ही हृदय चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। श्रोताओं के निर्मल चित्त हृदय को देखकर भगवान को वैकुंठ में अच्छा नहीं लगा। व्यास जी लिखते हैं भागवत में, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम् अलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। श्रोताओं के मन चित्त हृदय को निर्मल देखकर भगवान को वैकुंठ में अच्छा नहीं लगा। निजलोकम परित्यज्य, वैकुंठ को छोड़कर, भगवान है वो, भक्त वत्सल है। कहाँ आए वैकुंठ छोड़कर? आबिबेश स्वभक्तानाम हृदयानी अमलानी चा। श्रोताओं के निर्मल हृदय में आकर ठाकुर जी विराजमान हो गए। कैसा स्वरूप है, आप भी चिंतन करो, श्रवण करो और ध्यान भी ऐसा करो। बनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुटमंडलः परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधरः कोटिमन्मथलावण्यः हरिचंदन चर्चितः त्रिभंगे ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः। ऐसा सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का। तीन जगह से टेढ़े हैं, बाकी बिहारी को देखे हो ना। गोपियों ने युगल गीत में ठाकुर जी के बांके बिहारी का यानी तीन जगह से टेढ़े स्वरूप का अनुभव किया है। ओम लिखते हो ना, ओम तीन जगह से टेढ़ा होता है। गीता में भगवान कहते हैं प्रणव सर्व वेदेशु, संपूर्ण वेद में प्रणव मेरा स्वरूप है। तो प्रणव की आकृति में ठाकुर जी ने दर्शन दिए। मौर मुकुट धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, बनमाला धारण किए हुए, सुंदर पीतांबर और कौस्तुभ मणि को धारण किए हुए, करोड़ों कामदेव लज्जित हों ऐसे कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय दिव्य सौंदर्य लिए ठाकुर जी मौर मुकुट धारण किए हुए। सभी जितने श्रोता थे, सभी श्रोताओं के हृदय में प्रभु ने दर्शन दिया। बोलिए भागवत भगवान की। इसलिए भागवत कथा श्रवण का मुख्य उद्देश्य है भगवान का दर्शन, और उस सभी श्रोताओं को दर्शन मिल गया।
भागवत में ही तीन तत्व का तो बार बार वर्णन है ना, भक्ति ज्ञान वैराग्य। क्या क्या है? भक्ति ज्ञान से भरी ये भगवत बाणी लागे, भगवत बाणी लागे, ये तो मीठी मीठी शाम की कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरी ये भगवत बाणी लागे, भगवत वाणी लागे, ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरी भगवत वाणी लागे, भगवत वाणी लागे, ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे।
अगर कोई श्रवण कर ले तो उसे भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है, और अगर कोई भूल चूक के पूर्वज बिना सत्कर्म किए कोई गलती भूल चूक हो जाए और 84 लाख शरीर में भटक रहे हों, कोई भूत प्रेत भी यदि बन जाए तो उसको भी मुक्त कराने में केवल भागवत कथा ही समर्थ है। यानी मरने के बाद भी उसके निमित्त कोई कथा श्रवण करे तो उस भटकते प्राणी को भी मोक्ष देने वाली भागवत कथा है। इस बारे में एक प्रसंग सुनाते हैं सूत जी महाराज कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। सब कुछ भगवान ने उनको दिया था, केवल एक कमी थी, बेटा बेटी नहीं थे। और अगर वो अपने प्रारब्ध के अनुसार जीवन जीना चाहते तो लोग उनको जीने नहीं देते। कोई आता कहता कितना सुंदर आपका महल है, धन धान्य है, लेकिन कोई संतान नहीं। और देखो ना, जो गैया लाए थे ना उसके भी बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ। दूसरा था कहता जो आपने पेड़ लगाया उसमें भी फल फूल नहीं आते। कोई और आता कहता देखो जो फल लाते हो ना वो सड़ जाते हैं। परेशान हो गए आत्मदेव, वन में चले गए, बहुत दुखी होकर रोने लगे। तो एक सन्यासी महात्मा आए। ये कथा हम सबके जीवन के लिए उपयोगी है, प्रेरणादायक है। हम सबका जीवन ऐसा ही है, कोई ना कोई कमी रहती है इस संसार में। संसार का नाम इसीलिए है जहाँ कोई ना कोई कमी है। पूर्णता जहाँ है उसको वैकुंठ कहते हैं, जिसमें कमी है उसको जीव कहते हैं, और जो परिपूर्ण है उसको ईश्वर कहते हैं। आत्मदेव जी रोने लगे तो सन्यासी ने आकर के बहुत समझाया, ये दृश्यमान जगत में जो भी मिलता है अपने प्रारब्ध के अनुसार भगवान का भजन करो, अपना आत्म कल्याण करो। 7 जन्म में तुम्हें कोई संतान नहीं होगी, इस जन्म को तो भूल जाओ। आत्मदेव और रोते गाने लगे और बोले कि मैं प्राण त्याग दूंगा अगर आप मुझे संतान होने का वरदान न देंगे। संत को दया ही एक फल दिया लेकर के पत्नी को खिला देना, बेटा होगा, परंतु याद रखना बेटा से सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा ये मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। कोई बात नहीं, बेटा होगा तो प्रसन्नता होगी ही। लेकर फल आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधुली को दे दिए। बड़ा तर्क वितर्क कुतर्क करने लगी, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षः ततो शक्ति ही गृह कार्यम कथम भवेत लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। संत का प्रसाद है, व्यर्थ न जाएगा। ये फल खाऊंगी, गर्भ होगा, पेट बढ़ जाएगा, भोजन कम हो जाएगा, तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। गृह कार्यम कथम भवेत, घर का काम न कर पाऊंगी। जन्म देना बड़ा कठिन है, बहुत कष्टप्रद है, और अगर घर में आग लग गई तो मैं कैसे दौड़कर अपने प्राण बचाऊंगी। ऐसे कुतर्क करने लगी। और सबसे बड़ा कष्ट तो मुझे तब होगा, आज जैसे तो हॉस्पिटल में जन्म होता नहीं, आप इसमें बहुत बड़े बूढ़े जो होंगे उनका जन्म घर में हुआ होगा, और उस घर में कमरे में जहाँ होता जन्म उसको प्रसूति का गृह कहते थे। मैं तो बच्चे को जन्म देकर कमरे में रहूँगी, और उस समय नर्सें और ये सब तो थी नहीं, ये नमोनम उस समय सेवा कौन करती थी जन्म बच्चे का देने के बाद? ननंद जी करती थी। कौन करती थी? ननंद जी। धुंधली कहती है मैं सारे कष्ट सहन कर लूंगी, लेकिन एक कष्ट सहन नहीं होगा, ननंद आएगी सेवा करने। सेवा तो बहाना रहेगा, मेरे घर का जितना माल खजाना है सब लेकर अपने यहाँ चली जाएगी।
ननांदा सन्हरे तदा। ननंद का अर्थ जानते हो ना, जो बहुत सेवा करने पर भी प्रसन्न ना हो उसका नाम ननंद है। ननंदती थी ननंद। और भाभी का अर्थ जानते हो, भाई साहब की जो चाबी हो उसका नाम भाभी है। बहन भाई से कुछ मांगे ना मिलेगा, लेकिन अगर भाभी को प्रसन्न कर ले, भाभी की चाबी भाई में लग जाए, तो जो चाहे सो बहन को मिल जाएगा। इसलिए सबसे एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नहीं वो भक्षितम। कुतर्क करके उसने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। एक सहेली थी, उसको बहुत सारा धन दे दिया, जब तेरे बच्चा हो मुझे दे देना। और इतनी होशियार थी कि पेट के ऊपर कपड़े भी बांधती गई। और जब सहेली का बच्चा आ गया तो कपड़ा हटा करके गई, देखो आपके सुंदर पुत्र हुआ, मैंने 9 महीने गर्भ में रखा तो अपने अनुकूल नाम रखूंगी। तो नाम क्या रखा, धुंधली नाम था तो धुंधुकारी नाम रख दिया। परंतु संत का प्रसाद व्यर्थ नहीं गया, गैया से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। शरीर तो पूरा मनुष्य जैसा, कान बड़े बड़े गाय की तरह, तो नाम हो गया गोकर्ण, जिसके कान गऊ की तरह बड़े हों। दोनों बड़े होने लगे, दोनों के स्वभाव व्यवहार में बहुत अंतर। गोकर्ण जी सुबह उठते, माता पिता को प्रणाम करते, संध्योपासन करते, बड़ों का आदर करते, छोटों को स्नेह देते। और धुंधुकारी देर से उठता, माता पिता का अपमान करता, लड़ाई करता, वृद्ध जनों को ढकेल देता, बच्चों को उठा करके कुआं में डाल देता, लोगों के घर में आग लगा देता। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। इतनी शिकायतें आई कि बेचारे आत्मदेव दुखी होकर आत्महत्या करने जाने लगे। मर जाना ठीक है। परम ज्ञानी पुत्र गोकर्ण ने पिताजी को समझाया है। भागवत की हर कथा हर प्रसंग दिव्य हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जिनको व्यक्ति जीवन में उतार ले तो उसका ही अंतिम जन्म होगा, फिर जन्म न लेना पड़ेगा। ऐसे प्रसंग हैं कि सीधे हृदय को स्पर्श करते हैं और आपको आध्यात्मिक बना देंगे। उसमें एक भी है, इसको गोकर्ण गीता कहते हैं, आत्मज्ञान इससे मिलता है। दो श्लोक हैं, सोचिए दो श्लोक की बातें सुनकर के पिताजी वन में चले गए आत्मदेव जी, और आत्मकल्याण हुआ उनका। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आत्महत्या मत करिएगा, दुनिया में आत्महत्या का पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। भगवान ने उपहार दिया है मानव शरीर, और भगवान के दिए इस उपहार का कोई अपने इच्छा से नष्ट कर दे, आपको कोई माला पहनाए और पकड़ के उसको तोड़ फोड़ दो, अच्छा लगेगा अगले को? कभी आपको माला नहीं पहनाएगा अगला। भगवान के प्रदत्त इस उपहार मानव शरीर को अगर कोई अपनी इच्छा से नष्ट कर दे, जहर खा ले, नदी में कूद पड़े, फांसी लगा ले, ऐसे व्यक्ति को फिर मानव शरीर कभी नहीं मिलता। क्या मिलता है? पशु पक्षी, वृक्ष, पत्थर बना दिए जाते हैं। ऐसी भूल मत करिएगा पिताजी, आप आत्महत्या मत करिएगा। मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताता हूं, आप अपने को पहचान लो, अपने शरीर को पहचान लो, तो आपको किसी से दुख होगा ही नहीं। अपने को और अपने आत्म तत्व को और अपने शरीर को पहचानने का सुंदर उपाय गोकर्ण जी ने बताया। देहे स्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जायासुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानि सम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। शरीर क्या है उसका परिचय दिया है। जैसे मकान बनाते हो ना, ये भवन बना है माहेश्वरी भवन, तो इसमें पिलर हैं, अंदर लोहे के छड़ हैं, गिट्टी मोरंग सीमेंट सब मिल गया ना, और ऊपर से प्लास्टर हो गया, फिर अपने मन के अनुकूल पेंट कर दिए। ऐसे शरीर में अंदर हड्डियां हैं, अस्थि देहे स्थि मांस है, मांस रुधिर रक्त है, धातुएं हैं, इन सब से निर्मित शरीर है मकान की तरह। फिर ऊपर से चमड़ी से प्लास्टर कर दिया इस शरीर को, फिर सुंदर पेंट कर दिया गोरा गेहुआ रंग सांवला। जैसे मकान वैसे अपना शरीर, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर ये है कि इस मकान के अंदर प्राण नहीं है, आत्म तत्व नहीं है, और अपने इस शरीर रूपी मकान में आत्म तत्व है। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी देहे स्थि मांस रुधिरे भीमतिम तेजत्वम। सबसे ज्यादा ममता मोह कहाँ रहता है? शरीर में। इस शरीर को समझकर इसके प्रति मोह का त्याग करिए। शरीर के बाद में ममता मोह कहाँ रहता है अधिक? बोलो। जाया, जाया माने पत्नी, सुत माने पुत्र, और आदि में फिर सब कुछ आ जाता है। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। जो सदा आपकी ममता रहती उस ममता का त्याग कर दीजिए। जहां जहां आपकी ममता हो, किसी के प्राण पुत्र में, किसी के पत्नी में, किसी के मकान में, किसी के धन में, अपने प्राण का आश्रय इन सबको मत बनाओ। आप सुने होंगे कभी फलाने व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हुई, 15 दिन बाद होगी, चल बसे। पति की हुई, पत्नी की हो गई, पुत्र नहीं रहा, पिता भी चले गए। और किसी का घाटा लग जाए तो कहते हैं ना, हार्ट फेल हो गया, उसकी धन में आ। अपनी आसक्ति का मूल यदि प्रभु को बना लें तो शाश्वत हैं, नित्य हैं। हम भी शाश्वत और नित्य बन सकते हैं। इसलिए इन सब के प्रति अपने ममता का त्याग करिए। कैसे आत्म तत्व का बोध होगा? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, पश्यानि सम जगदिदं क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हर वस्तु क्षणिक है, हर एक वस्तु दुनिया की हर क्षण परिवर्तित है। जैसे माला है ना, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, सूख रहा है, लेकिन अपने को मालूम नहीं पड़ रहा। सबका शरीर भी नित्य और शाश्वत है, तो केवल आत्म तत्व है। पिताजी धर्म का आश्रय लीजिए। साधु पुरुषों का भगवत उन्मुख, भगवत उन्मुख का मतलब जो भगवान की ओर जा रहा हो, मंदिर में जा रहा हो, ध्यान कर रहा हो, कथा प्रेमी हो, नाम जप का प्रेमी हो, ये सब भगवत उन्मुख हैं। जो भगवान की ओर जाए, जुड़े, चले, भागे, उसका नाम है भगवत उन्मुख। और जो भगवान से विमुख है, उसका संग त्याग दीजिए। लोक धर्मान त्यज, लौकिक धर्मों का धीरे धीरे त्याग कर दीजिए। ऐसा यदि आप करेंगे ना, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम। और भगवान के मंगलमय चरित्र को श्रवण करिए, तो आपका निश्चित आत्म कल्याण हो जाएगा। अब सोचिए, पुत्र की दो श्लोक की बात सुनकर आत्मदेव जी वन में चले गए, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए मुक्त हो गए। भागवत कितना निष्पक्ष ग्रंथ है ना।
यहाँ पुत्र माँ और बाप दोनों को शिक्षा देते हैं। यहाँ महात्मा में गोकर्ण जी ने पितात्मदेव को उपदेश दिया जिनका मोक्ष हुआ। तृतीय स्कंध में भगवान कपिल पुत्र के रूप में आए, माँ देवहूती को उपदेश दिया तो उनका भी आत्मकल्याण हुआ। यानी सुंदर ज्ञानप्रद अगर वाणी हो तो पुत्र भी हो, पत्नी भी हो, सेवक भी हो, स्वीकार करना चाहिए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए, धुंधुकारी बड़ी दुष्टता की, तेन वेश्या कुसंगेन पितृं वित्तं तु नासितं, दुनिया के सारे बुरे पाप कर्म किए, पिता की सारी संपत्ति वेश्याओं का संग करके नष्ट कर दिया, चोरी करने लगा। एक दिन बहुत सारी संपत्ति लेकर के आया तो वेश्याओं ने रात्रि में जब सोने लगा तो गले में रस्सी डाल कर खींचा, नहीं मरा तो मुख में आग के अंगारे डाले, अधमरे धुंधकारी को गड्ढा करके जमीन में गाड़ कर संपत्ति लेकर चली गई। ऐसी दुर्गति इसलिए हुई धुंधकारी की क्योंकि इसने माँ धुंधली को इतना कष्ट दिया ना धन लेने के लिए कि कुआं था अंग द्वार पर, उसमें कूद कर उसने प्राण त्याग दिए। जिस दुष्ट धुंधकारी की दुष्टता से पिता वन में चले जाएं, धर्मात्मा गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले जाएं, माँ आत्महत्या कर ले, दुष्टाओं के हाथ मृत्यु हो, तो निश्चित तो क्या बनेगा, प्रेत बनेगा। गोकर्ण जी को पता चला तो कई तीर्थों में श्राद्ध तर्पण किया, गया जी में किया, और जब रात्रि में आए घर के बाहर सो गए, सोचा कोई घर में रहता होगा, उठाऊंगा नींद में, दोष लगेगा। प्रेतात्मा धुंधकारी अनेक रूप लेकर प्रकट हुआ गोकर्ण जी के सामने, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी अग्नि। गोकर्ण जी ने कहा, भगवान के भक्त हैं, प्रेत से नहीं डरते, तुम्हारा परिचय क्या है? तब उस प्रेतात्मा ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव पापेन ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं धुंधुकारी हूँ, अपने पाप के कारण मैं प्रेत बन गया, एक क्षण शांति नहीं, बहुत कष्ट है, मुझे मुक्ति करने का कोई मार्ग बताइए। गोकर्ण जी ने कहा, तेरे आत्म कल्याण के लिए मैंने अभी अभी गया में श्राद्ध करके आया हूं। प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर मे न भविष्यति। गया में हजारों बार श्राद्ध करो, मेरे मोक्ष नहीं होगा, मैंने बहुत पाप किए हैं, कोई और उपाय खोजिए। गोकर्ण जी ने आश्वासन दिया। दूसरे दिन गांव के लोग सब इकट्ठे हुए, समस्या को गोकर्ण जी ने रखा, सब ने कहा, आप स्वयं इतने विद्वान हैं, स्वयं निर्णय लीजिए कि प्रेत को मुक्ति कैसे मिलेगी। सबसे पूछने पर उपाय न निकला तो गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य भगवान को रोक लिया। आराधना करते थे गोकर्ण जी सूर्य भगवान की, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके प्रेत आत्मा की मुक्ति का उपाय पूछा। उपस्थित सभी लोगों ने सुना जो उपाय भगवान सूर्य ने बताया। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन ब्रोहि मे मुक्ति हेतुकम्। प्रार्थना किया गोकर्ण जी ने तो सूर्य भगवान ने क्या कहा उपाय, श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वैः धर्मरूपम तु विस्तृतम्। सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवत की कथा सुना दीजिए तो प्रेत आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। बोलिए भागवत भगवान की। गोकर्ण जी महाराज विद्वान थे, व्यासपीठ बनी, कथा सुनाना प्रारंभ किए, और जब 7 दिन कथा पूर्ण हुई
प्रेतात्मा धुंधकारी मुक्त होकर विमान में बैठ गया तो जितने श्रोता थे सब उठकर खड़े हुए, भगवान के पार्षदों को रोका, रुको, भगवान के यहां भी अन्याय होता है? भगवान के दूतों ने कहा ना, न्याय होता है वहां। कहां का न्याय? 7 दिन हम सबने कथा सुनी, हमारे लिए विमान नहीं आया और उस पापी धुंधकारी के लिए भगवान ने विमान भेज दिया। तो भगवान के दूतों ने जो सुंदर बातें कही हैं बहुत ज्ञानप्रद हैं। देखो श्रोताओं, आप सबने कथा सुनी है और प्रेत ने भी कथा सुनी है, दोनों के सुनने में भाव में बहुत अंतर है। श्रवणम तु कृतम सर्वैहि ना तथा मननम कृतम फल भेदस्ततो जातः श्रवणेन च मानद। कथा सबने सुनी है आपने, धुंधकारी की तरह नहीं सुनी। धुंधकारी ने इस भाव से कथा सुनी कि मेरे आत्मोद्धार के लिए कथा हो रही है, बिल्कुल तत्पर होकर डूब कर कथा सुनी। और आप सबने इस भाव से कथा सुनी कि गोकर्ण जी धुंधकारी प्रेत को मोक्ष दिलाने को कथा सुन रहे हैं, हम भी चलते हैं थोड़ी देर बैठ लेते हैं, नहीं तो गोकर्ण जी क्या कहेंगे, मेरे गांव वाले लोग नास्तिक ही हैं, क्या कोई कथा में नहीं आते सुनने? आपने केवल व्यवहारिकता निभाने के लिए कथा सुनी, इसलिए आपके लिए विमान नहीं आया। और गोकर्ण अपने आत्मोद्धार के लिए कथा सुनी, इसलिए उसके लिए विमान आया है। और भी कई ज्ञान की बातें कही भगवान के पार्षदों ने। अवैष्णवो हतो देशः, जहां वैष्णव भगवान के भक्त नहीं होते वो क्षेत्र श्मशान के समान है। हतम श्राद्धम अपात्रकम, श्राद्ध में बहुत सुंदर पकवान बनाओ लेकिन भोजन करने वाला अगर कोई सुपात्र नहीं है तो श्राद्ध का भोजन भी व्यर्थ है, बेकार है। श्राद्ध में गाय के दूध से बनी हुई खीर उत्तम मानी जाती है, दोपहर का समय उत्तम माना जाता है और गायत्री मंत्र जाप करने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। हतम श्राद्धम अपात्रकम, हतम श्रोत्रिय दानम, श्रोत्री माने वेद मार्ग में चलने वाला व्यक्ति, उसको दिया गया दान श्रेष्ठ है, बाकी अश्रोत्री अश्रोत्री वेद मार्ग में नहीं चलता, तो इसका मतलब खान पान व्यवहार आचरण गलत है, उसको दिया गया दान भी व्यर्थ है। बड़ी सुंदर बात है। व्यग्र चित्तो हतो जपा, मंत्र जाप करते हुए अगर कोई व्यग्र चित्त होकर जाप करे तो उसका जाप भी निरर्थक है। कई लोग होते हैं ना, माला भी ले लेंगे, सामने टीवी खोल लेंगे, न्यूज भी देखेंगे, न्यूज पेपर भी रख लेंगे, पढ़ेंगे और माला भी जपेंगे, नहीं नहीं, व्यग्र चित्त होकर किया गया जप निरर्थक है, भगवान के पार्षद कह रहे हैं। अदृढ़म चा हतम ज्ञानम, आप ज्ञान की बातें सुन रहे हैं ना, लेकिन आपके चित्त में अगर दृढ़ नहीं होती हैं तो ये सारी ज्ञान की बातें व्यर्थ बेकार हैं। हतम व्यर्थम, सभी श्रोता सजग हो गए, प्रार्थना किया इस बार नहीं चूकेंगे, फिर मौका दीजिए। तो गोकर्ण जी ने उसी स्थान पर दोबारा 7 दिन कथा सुनाई। इस बार जितने श्रोता थे इस भाव से कथा सुनते हैं कि कथा मेरे आत्म कल्याण के लिए हो रही है। 7वें दिन जितने श्रोता थे उतने गिनकर विमान भगवान के वैकुंठ से उपस्थित हुए। सूत जी महाराज कहते हैं जैसे त्रेता युग में प्रभु राम के साथ सभी अयोध्यावासी साकेत लोक को गए थे ना,
उसी प्रकार से सभी श्रोताओं को भगवान कृष्ण विमान पर बैठा करके वैकुंठ को ले जाते हैं। एक दो लोगों के कल्याण के लिए नहीं, सबके कल्याण के लिए है। इसलिए भक्तजन क्या कहते हैं, एक दो चार नहीं, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नलिंद्र नाम पुकारो मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। विषय अमृत कर दिया मुरारी। विषय अमृत कर दिया मुरारी। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। जिनको स्वयं तार नहीं, नहीं पशु पक्षी कोई भी भगवान का नाम ले। गज ने आधा नाम पुकारा। 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 गरुण छोड़ कर उसे उबारा। गरुण छोड़ कर इसे पुकारा। किया ग्राह को धार लेकर नाम तेरा। किया ग्राह उद्धार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भगवान से बढ़कर भगवान का नाम और भगवान की कथा है, इस बात को एक पंक्ति दर्शाती है। जिनको स्वयं तार नहीं पाए। 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 कथा सुनन ते मुक्ति पाए। कथा सुनन ते मुक्ति पाए। नाम जपन ते मुक्ति पाए। नाम जपन ते मुक्ति पाए। महिमा जय हो। महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा। अरे महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो
गोविंद जय जय गोपाल जय जय हाँ गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा बोलिए भागवत भगवान की जय जीते जी सुने तो भगवत दर्शन और मरने के बाद किसी शरीर में भटक रहे हों प्रेत भी हो गए हों तो भी धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी प्रेत पीड़ा से भी मुक्ति देने वाली पावन भागवत कथा है। और जिस समय परीक्षित को सातवें दिन मृत्यु का शाप मिला सारे ऋषि मुनि उपस्थित हुए लेकिन सही उत्तर कोई न दे सका क्योंकि परीक्षित के मन में एक ही जिज्ञासा थी कौन ऐसा सत्कर्म करूं कि मुझे फिर संसार में जन्म न मिले मृत्यु से निर्भयता मिल जाए। तब सुखदेव जी जैसे परम ज्ञानी उपस्थित हुए और सुखदेव जी का सानिध्य पाकर परीक्षित ने सातवें दिन मोक्ष प्राप्त किया। इस सुंदर पावन कथा को हम लोग कल विस्तार से श्रवण करेंगे। आइए श्रद्धा भक्ति भाव से भागवत भगवान की हम लोग आरती कर लें। कई विशिष्ट महानुभाव भी पधारे हुए हैं सभी लोग आरती का पावन लाभ लें पुष्पांजलि अर्पण करें और फिर कल पुनः यहाँ 2:30 बजे से भागवत कथा का पुनः आप लोग लाभ लेंगे। प्रेम से 2 बार प्रभु का स्मरण कर लें जब यहाँ आएं और जाएं तो भगवान का स्मरण करते हुए जाएं। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 रे थोड़ा 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 रे लेके जाना रे लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा भागवत भगवान की आज के आनंद की जय 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 श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षः सूर्यो वजायत सोत्रादायश प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के गले में वैजंती माला गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकाला श्री आनंद कहो वृंदावन चलो मोहन ब्रिज चंद राधिका रमन बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की
गगन समयांग कांति काली राधिका चमक रही आली लगन में चाहे वन माली भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के शीश पे मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे गगन से सुमन राशि बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के जहाँ से प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारिण श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा बसी शिव शीश जटा के भी हरे अघ की चरण छवि श्यामल हारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की चमकती वो ज्वल तट रेणु बाज रही वृंदावन वेणु चहु दिश गोपी वाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव पंख भवती गोपी कान्हा कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की जलेन शीतलिक देवाभिवंदनमंत्रपुष्पांजलिः हरिओं जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमाना सचंद जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज जय बोलिए पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय 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 श्रीमन्नारायण जय जय श्री राधेश्याम आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो 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 चाहे राम नाम ले लो चाहे राम नाम ले लो या श्याम नाम ले लो आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 राम 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 बोलो श्याम 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 आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे मन गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माल भज मन श्री राधे, गल वैजंती माल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। विहरत वृंदा विपिन रसीले, विहरत वृंदा विपिन रसीले, विहरत वृंदा विपिन रसीले, विहरत वृंदा विपिन रसीले, गौगल वैया डाल भज मन श्री राधे, दो वैया डाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। छीन लेत मन छलबल करके, छीन लेत मन छलबल करके, छीन लेत मन छलबल करके, चंचल नयन विशाल भज मन श्री राधे, चंचल नयन विशाल श्री मन राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माल भज मन श्री राधे, गल वैजंती माल
भज मन श्री राधे जंती माल भज मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे घन श्याम राधे श्री राधे घन श्याम राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे श्री राधे घन श्याम 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 राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे